ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर एंड दिस इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ वेटेज इन योर नीट एग्जाम एंड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ऑल्सो। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि when someone is very much understand about how a cell divides to form two new cells, यही हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि एक सेल किस तरह से डिवाइड करता है और दो नए सेल्स बनाता है। तो इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं लाइक हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, हेटरोलोगस क्रोमोसोम्स, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, कई सारे वर्ड्स आते हैं इस चैप्टर में जो वर्ड्स हमें हेल्प करते हैं दूसरे बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझने में। जैसे कि हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा और जैसे वो टॉपिक है जैसे कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, प्लांट के लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन आता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जब किसी को पता होता है तभी वो पता होता है कि बहुत सारे टर्म्स उसमें आते हैं। हमारे फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है 11th की, तो अगर हमें ये चैप्टर क्लियर होता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन तभी हम वो वाले चैप्टर समझने में काफी आसानी होती है उसमें। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं अगर, तो क्या होता है एक सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है कि सेल साइकिल एक साइकिल है, ऑफकोर्स ये सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थ्रू विच, मान लेते हैं कि ये एक सेल है जिसको दिस इज अ सेल, दिस इज अ मैच्योर सेल विच इज एंटरिंग इनटू सेल साइकिल। ये एक सेल है जिसको सेल साइकिल में एंटर करना है और सेल साइकिल में एंटर क्यों कर रहा है क्योंकि ये एक साइकिल से होके जाएगा और फाइनली दो नए सेल्स बनाए गए, ठीक है। सो फाइनली दिस मैच्योर सेल इज गोइंग थ्रू दिस सेल साइकिल एंड दिस सेल हैव टू फॉर्म टू न्यू सेल्स, ये दो नए सेल्स बनाएगा। जो दो नए सेल्स बनेंगे वो फाइनली उनका साइटोप्लाज्म में डिवाइड होगा, दो नए सेल्स बनेंगे। हो सकता है कि जो नया सेल बना है वो फिर से एंटर कर जाए सेल साइकिल में, वो नया सेल जो दो बने हैं हो सकता है कि वो फिर से जस्ट फॉर्म हुआ है सेल वो फिर से एंटर कर जाए सेल साइकिल में, अभी अभी डिवाइड किया था फिर से वो एंटर कर रहा है सेल साइकिल में। तो कुछ सेल्स होते हैं बॉडी में जो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, कुछ सेल्स होते हैं बॉडी में जो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। कोई ऐसे सेल बता सकता है कोई सेल ऐसा जो कॉन्टिन्यूअसली बॉडी में डिवाइड करता हो, जैसे कि स्किन सेल, स्किन सेल्स कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअसली सेल्स डिवाइड कर रहे हैं स्किन सेल्स, तो इनके पास बहुत ज्यादा वर्क लोड है, इनको कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करना है क्योंकि बहुत हार्श एनवायरमेंट होता है चारों तरफ, तो ये कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते हैं स्किन सेल्स। इस पे बहुत ज्यादा लोड रहता है कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करने का, इसलिए इन सेल्स को हम बोलते हैं, लेबाइल सेल्स। दीज आर कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग, सो दीज आर कॉल्ड लेबाइल सेल्स जो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये वाला सेल मैंने आपको बताया कि डिवाइड होकर ये हो सकता है कि डायरेक्ट एंटर कर जाए फिर से सेल साइकिल में और फिर से सेल साइकिल को पास करके ये फिर से डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला जो सेल मैंने बताया एग्जांपल स्किन सेल, इसको कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करना है तो इसकी ये साइकिल में एंटर करता रहता है। लेकिन हो सकता है कि जो डिवाइड किया है सेल वो फिर से सेल साइकिल में ना एंटर करे, सेल साइकिल में नहीं एंटर करेगा तो हम बोलेंगे कि उसका एक पर्टिकुलर शेप साइज फंक्शन हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, कि वो डिफरेंशिएट हो गया और दूसरा कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अब सेल साइकिल में फिर से एंटर नहीं करेगा। तो ये हो सकता है कि सेल साइकिल में एंटर करता है फिर से सेल, वो सेल जिनको कंटीन्यूअसली डिवाइड करना, और ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं लेबाइल सेल्स। लेबाइल सेल्स लिख लेते हैं, लेबाइल सेल्स, दो सेल्स विच हैव टू कंटीन्यूअसली डिवाइड, लेबाइल सेल्स। फॉर एग्जांपल स्किन सेल्स, स्किन सेल्स को कंटीन्यूअसली डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक सेल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के जो सेल्स हैं बहुत ज्यादा इंटेस्टाइनल सेल्स जो है एसिड रिलीज हो रहा है तो उनको कॉन्टिन्यूअसली रिपेयर होना है, तो वहां पे भी कॉन्टिन्यूअसली डिवीजन मिलता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सेल्स में कॉन्टिन्यूअसली डिवीजन मिलता है। तो जीआईटी सेल्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक सेल्स, यहाँ पे हमें डिवीजन मिलता है। तो ये लेबाइल सेल्स कौन से सेल्स हैं जो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते हैं,
हो सकता है कि डिवाइड करके तुरंत एंटर करता है सेल साइकिल में बार बार, और नहीं तो हो सकता है कि सेल फिर से एंटर ना करे सेल साइकिल में, तो वो कहां चला जाएगा, वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, कोई और फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा। तो हम बोलते हैं कि अब ये वाला सेल अगर फिर से नहीं जा रहा है सेल साइकिल में, तो इसको कौन सी स्टेज बोलते हैं, हम बोलते हैं ये एक स्टेज में आ गया, जिसको हम कहते हैं क्विंसेंस स्टेज में आ गया, जी जीरो स्टेज में आ गया, ये सेल आ गया जी जीरो स्टेज में, जी जीरो स्टेज में, जहां पे सेल अब फिर से एंटर नहीं करेगा सेल साइकिल में और कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो इसको बोलेंगे ये वाला सेल जो है ये फिर से नहीं एंटर कर रहा है, जी जीरो स्टेज में गया है, ये कुछ और फंक्शन अब परफॉर्म करेगा। तो कुछ सेल्स होते हैं लेबाइल सेल्स, जिनको कंटिन्यूअसली एंटर करते रहना है सेल साइकिल में, लेकिन कुछ सेल्स होते हैं जो पर्टिकुलर शेप साइज फंक्शन ले लेते हैं और फिर से सेल साइकिल में नहीं जाते हैं, जैसे कि हमारे लीवर सेल्स, लीवर सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं, नॉर्मली डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनको कोई इंफेक्शन या स्टिमुलस जब आता है उनके पास लीवर सेल्स में, पैनक्रियाटिक सेल्स में, पैनक्रियाज के सेल्स में कोई इंफेक्शन या स्टिमुलस क्रिएट होता है, तब ये डिवाइड करते हैं फिर से, नॉर्मली नहीं डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन जब कोई स्टिमुलस आ रहा है तो फिर से ये डिवाइड करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो इनमें फिर से पावर आ जा रही डिवाइड करने की, ठीक है, रीजनरेटिंग पावर है इनमें, तो ये फिर से डिवाइड कर सकते हैं, वो सेल्स जो नॉर्मली तो नहीं डिवाइड करते हैं लेकिन पर्टिकुलर स्टिमुलस पे वो डिवाइड करते हैं, तो ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं स्टेबल सेल्स है ये, स्टेबल सेल्स जो नॉर्मली नहीं डिवाइड कर रहे लेकिन पर्टिकुलर स्टिमुलस आएगा तो वो डिवाइड करेगा, तो हम बोलते हैं इनको स्टेबल सेल्स। तो कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेबल सेल्स, जो सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलस के टाइम पे डिवाइड करते हैं, स्टेबल सेल्स, फॉर एग्जांपल लीवर सेल्स, लीवर सेल्स एंड एंड पैनक्रियास सेल्स, ठीक है। और कुछ सेल्स होते हैं बॉडी में जो कभी नहीं डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मली पता होता है लोगों को, फॉर एग्जांपल नर्व सेल नहीं डिवाइड करते हैं, तो ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं परमानेंट सेल, परमानेंट सेल जो कभी नहीं डिवाइड करेगा, परमानेंट सेल्स, एग्जांपल नर्व सेल, फॉर एग्जांपल हार्ट सेल्स, मायोकार्डियल सेल्स, ठीक है। तो सेल साइकिल, सेल को कब डिवाइड करना है कब नहीं डिवाइड करना है, कुछ फोर्सेज होते हैं, जीन्स के थ्रू रेगुलेट किया जाता है कि कौन सेल को कब डिवाइड करना है कब नहीं डिवाइड करना है। तो कुछ सेल्स होंगे जो सेल साइकिल में कंटिन्यूअसली जाते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो नॉर्मली नहीं डिवाइड करते लेकिन पर्टिकुलर स्टिमुलस के टाइम पे वो डिवाइड करते हैं, और कुछ सेल्स होते हैं जो कभी नहीं डिवाइड करते हैं। तो ये कुछ सेल्स थे अलग अलग टाइप के, आ जाते हैं वापस, सेल साइकिल क्या होता है देखते हैं, सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल अब ऐसा तो है नहीं सेल डायरेक्ट एक साइकिल में गया और अपने आप डिवाइड हो गया, बहुत सारी स्टेजेस आएंगी ना बीच में जिसके थ्रू डिवाइड करेगा। तो पूरी की पूरी सेल साइकिल जो है, इसको हमने पूरी सेल साइकिल को दो फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, ये दो फेजेस जो होते हैं सेल साइकिल के, फॉर एग्जाम्पल एक फेज होता है जो बहुत ज्यादा टाइम के लिए चलता है, और इस पूरे फेज को हम बोलते हैं, ये वाला फेज है हमारा रेस्टिंग फेज, इस फेज को हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज, और इसी फेज को हम बोलते हैं इंटरफेज, इसी का नाम है इंटरफेज, इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल। तो एक फेज होता है सेल साइकिल है पूरी, सेल साइकिल में एक फेज होता है रेस्टिंग फेज, ज्यादा टाइम के लिए चलता है, और दूसरा जो फेज होता है सेल साइकिल का उसको हम बोलते हैं एम फेज या फिर माइटोसिस फेज, माइटोसिस फेज, माइटोसिस वर्ड सुना होगा पहले, तो जो दूसरा ये फेज है पूरा इसका नाम है एम फेज, एम फेज और माइटोसिस फेज, माइटोसिस फेज, एम फेज या फिर माइटोसिस फेज। तो देखते हैं, तो सेल साइकिल है क्या, बेसिकली सेल साइकिल is the sequence of events through which a cell will pass, ये वो sequence of events है जिसके through a cell जाएगा और finally दोनों cells बनाएगा। cell cycle is the sequence of events, तुम्हें please write down, cell cycle is the sequence of events through which a cell will pass and finally forms two new cells,
and finally forms two new cells. ठीक है, cell cycle वो sequence of events है जिसके through एक cell जाता है और दो नए cells में divide करता है. देखते हैं क्या क्या और events आते हैं बीच में cell cycle जब divide करता है. ये है क्या resting phase, end phase होता क्या है. जो resting phase है cell cycle का, interphase है जो cell cycle का, इसको further divide किया गया है तीन stages में. पहला इसमें आता है, पहला जो phase आता है इंटरफेज का उसको हम बोलते हैं जीवन फेज और गैप वन फेज. पहले फेज को हम बोलते हैं जीवन फेज और गैप वन फेज. क्या है ये गैप वन फेज, देखते हैं. जीवन फेज को ही हम बोलते हैं गैप वन फेज, गैप वन फेज. और इसी को ही हम बोलते हैं ग्रोथ वन फेज, ग्रोथ वन फेज. इस सेल को डिवाइड करना है, दिस सेल हैव टू डिवाइड एंड इट हैव टू फॉर्म टू न्यू सेल्स. सो फर्स्ट दिस सेल हैव टू इंक्रीज इट्स साइटोप्लाज्मिक अमाउंट, ओनली देन इट कैन डिस्ट्रीब्यूट इट्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर टू द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स. पहले तो अपने साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को बढ़ाएगा सेल, तभी तो फाइनली दो नए सेल्स में डिवाइड कर देगा. तो सबसे पहले सेल को अगर डिवाइड करना है तो जैसे वो सेल साइकिल में एंटर करता है तो वो अपने सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स को बढ़ाता है, सेल ऑर्गेनेल्स को और प्रोटीन्स को ये सिंथेसाइज करता है. अगर इतना ज्यादा सिंथेसिस हो रहा है चीजों का सेल के अंदर, सबसे ज्यादा सिंथेसिस जीवन फेज में चीजों का हो रहा है सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनेल्स का, डीएनए का नहीं हो रहा है वहां पे, सेल ऑर्गेनेल्स का, प्रोटीन्स का जो कि एंजाइम्स है, तो इन सब चीजों का, तो हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा सिंथेसिस हो रहा है जीवन फेज में. इसलिए हम बोलते हैं कि जीवन फेज जो है यहाँ पे सेल बहुत ही ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है. सेल जो है जीवन फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है. तो जीवन फेज में सेल बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है. मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब है कि बहुत ज्यादा इसमें रिएक्शंस हो रहे हैं, अकर हो रहे हैं जीवन फेज में, जिसके लिए हम बोल रहे हैं इसको मेटाबॉलिकली ये एक्टिव है, जिसमें इसका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इंक्रीज किए जाते हैं. आपको यही क्वेश्चन आएगा कि जीवन फेज में कौन सा इवेंट, कौन सा फंक्शन परफॉर्म होता है, जीवन फेज के क्या कैरेक्टर्स है. तो जीवन फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है. तो इस सेल को अगर डिवाइड करना था, इस वाले सेल को डिवाइड करना था, तो सबसे पहले जीवन फेज में ये अपने साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को, अपने साइटोप्लाज्म के अमाउंट को बढ़ा रहा है. जब साइटोप्लाज्म का अमाउंट सफिशिएंट इंक्रीज हो जाता है तो सेल को फिर ऑर्डर मिलता है कि अब ये अपना डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट करे. ऑर्डर कौन दे रहा है, मतलब कि कुछ जीन्स है, मैंने पहले बताया था कुछ जीन्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को और वो कोई पर्टिकुलर रिएक्शन को सेल के अंदर स्टार्ट करते हैं. तो जीवन फेज के बाद जो दूसरा फेज आता है इंटरफेज का, जो दूसरा फेज है जो सबसे लेंथी फेज होता है सेल साइकिल का, सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो है वो है सिंथेसिस फेज, एस फेज. एस फेज में होना क्या है, डीएनए का रेप्लिकेशन होना है. डीएनए का रेप्लिकेशन होगा जब, तभी तो वो अपना डीएनए रेप्लिकेट होगा. पहले जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए पता है सबको, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पहले आपने पढ़ा हुआ है. डीएनए जो है उसको रेप्लिकेट होना है. हमने अभी तक क्या किया है सेल साइकिल में, सेल साइकिल होता क्या है, सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थ्रू विच अ सेल विल पास एंड फाइनली इट विल डिवाइड इनटू टू न्यू सेल्स और इट विल फॉर्म टू न्यू सेल्स. सेल साइकिल में एंटर करता है सबसे पहले वो जीवन फेज में एंटर करता है सर. जीवन फेज में उसके साइटोप्लाज्मिक अमाउंट को इंक्रीज किया जाता है, साइटोप्लाज्मिक अमाउंट इंक्रीज किया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है जीवन फेज में. गैप वन फेज में या ग्रोथ वन फेज में जो सेल है वो बहुत ही ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को इंक्रीज करने के बाद सेल का जो डीएनए है वो अमाउंट उसका डबल होना है, तो हम बोलते हैं कि उसके बाद सिंथेसिस होना है डीएनए का, सिंथेसिस होना है, डीएनए को डुप्लीकेट होना है, उसको रेप्लीकेट होना है. तो डीएनए का सिंथेसिस होना है सेकंड फेज में, तो हम बोलते हैं कि ये वाला जो फेज है इसका नाम है एस फेज. ये जो है ये है सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज,
सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में क्या होता है मेनली डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। और इसके अलावा एक सेल ऑर्गेनली जिसका नाम है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होना है। यहां पे सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल इज अ सेल ऑर्गेनली विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। हम देखेंगे अभी आगे जैसे स्टडी करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि सेंट्रियोल का क्या काम है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, अभी हम सेल साइकिल डिस्कस कर रहे हैं। सेल डिवीजन डिफरेंट चीज है, सेल साइकिल को एक सेल के मैच्योर होने में, फिर डीएनए सिंथेसिस करने में और फिर रेप्लिकेट होने में जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं वो सारे सेल साइकिल पार है। लेकिन सेल डिवीजन डायरेक्ट वो प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल को डिवाइड करना है। पता होगा सबको ही शायद कि माइटोसिस और मायोसिस दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मायोसिस। अभी हम माइटोसिस पे आते हैं तो डिस्कस करते हैं कि क्या होता है माइटोसिस और मायोसिस में। देखते हैं पहले कि अभी तक हमने देखा मेटाबॉलिकली एक्टिव था जी1 फेज में सेल, और एस फेज में अपने डीएनए को रेप्लिकेट किया है और सेंट्रियोल को डुप्लीकेट। आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे कि जी1 फेज में कौन सा इवेंट होता है, क्या चेंजेस आते हैं सेल में, और एस फेज में क्या चेंजेस आते हैं सेल में। इसके बाद आते हैं जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा सेल में। सेल को डिवाइड करना था, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इंक्रीज किए सेल ने और अपने डीएनए को सिंथेसाइज कर लिया सेल ने। देखते हैं डीएनए के सिंथेसिस के बाद जो फेज आएगा, इस फेज को हम बोलते हैं, यह है जी टू फेज। इस फेज को बोलते हैं जी टू फेज है, और इसी को हम बोलते हैं गैप टू फेज, और या फिर इसी को हम बोलते हैं ग्रोथ टू फेज, ग्रोथ टू फेज। इस फेज में क्या होना है, देखिए जीवन फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव था, मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इंक्रीज होंगे सेल के और कुछ प्रोटीन्स फॉर्म होंगे। मेनली कौन से प्रोटीन्स, मेनली वो एंजाइम्स मेनली फॉर्म होंगे जो सेल के डीएनए को सिंथेसिस फेज में रेप्लिकेट करे। वो एंजाइम्स फॉर्म होंगे जो सेल के डीएनए को रेप्लिकेशन में काम आए, उसके डुप्लीकेशन में काम आए, वो वाले एंजाइम्स जीवन फेज में बनेंगे। कौन से एंजाइम्स में क्या बता रहा हूं, सिंथेसिस फेज में होना क्या था, सिंथेसिस फेज में जो सेल है, सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डुप्लीकेट होना है, तो इसके रेप्लिकेशन में ये पैरेंट डीएनए हो गया, ये डुप्लीकेटेड डीएनए, ये रेप्लिकेटेड डीएनए, ये दोनों रेप्लिकेटेड डीएनए। तो डीएनए को ओपन होने में जो एंजाइम्स लगेंगे वो मेनली यहां फॉर्म हो जाएंगे। लेकिन जी टू फेज में कौन सा एंजाइम्स बनेंगे, कौन सा प्रोटीन फॉर्म होगा जी टू फेज में, वो वाले एंजाइम्स जो हेल्प करेंगे। इसके बाद होना क्या है, इसके बाद ये रेस्टिंग फेज हो जाएगा खत्म। रेस्टिंग फेज के बाद सेल एंटर करने वाला है किसमें, एम फेज में एंटर करने वाला है। एम फेज में होना क्या है मेनली, एम फेज में दो स्टेजेस होती हैं, एक स्टेज है हमारी, इसको बोलते हैं कैरियो मींस न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मींस डिवीजन। तो माइटोसिस फेज में पहले होना है कैरियोकाइनेसिस, मतलब कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस के बाद जब डिवाइड हो जाएगा न्यूक्लियस सिंगल सेल में, जब दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, तो फिर सिर्फ क्या बचेगा कि इसका साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दिया जाए तो ये दो नए सेल्स बना देगा। तो कैरियोकाइनेसिस यहां पर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटो मींस साइटोल साइटोसोल, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो दो नए सेल्स ऑफ कोर्स बन जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि दो नए सेल बनेंगे, वो हो सकता है फिर से सेल साइकिल में एंटर कर जाए या फिर जी जीरो स्टेज में चल जाए।
है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बताए, लेबाइल सेल, स्टेबल सेल्स एंड परमानेंट सेल। तो हम बोलते हैं कि ये कौन सी स्टेज है, जी जीरो स्टेज है, क्विंसेंस स्टेज है, क्विंसेंस स्टेज में भी जा सकता है और नहीं तो डायरेक्टली सेल साइकिल में जा सकता है। जी टू फेज में वो ग्रोथ टू फेज में वो एंजाइम्स फॉर्म होंगे जो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस के डिवीजन में हेल्प करें, ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जीवन फेज में कौन से एंजाइम्स फॉर्म होंगे, जीवन फेज में वो वाले एंजाइम्स फॉर्म होंगे जो डीएनए के रेप्लिकेशन में काम करेंगे, और जी टू फेज में वो एंजाइम्स फॉर्म होंगे, वो एंजाइम्स सिंथेसाइज होंगे जो कि न्यूक्लियस के डिवीजन में काम करेंगे, ठीक है। तो जी टू फेज में भी हम कह रहे हैं कि मैनी एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन जी टू फेज, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड, ठीक है, जी टू फेज में प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड। अब ये पूरा हमारा हुआ रेस्टिंग फेज या फिर इंटर फेज ऑफ सेल साइकिल। एक लास्ट बार देखते हैं कि सेल साइकिल होता क्या है। सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थ्रू विच अ सेल विल पास एंड इट विल फाइनली डिवाइड इनटू टू न्यू सेल्स, इट विल डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू डॉटर सेल्स। सेल साइकिल में जो लॉन्गेस्ट दो फेजेस होते हैं सेल साइकिल में, एक इंटर फेज और एक एम फेज। इंटर फेज क्या फेज है, जिसमें की तीन स्टेजेस आती हैं, ग्रोथ वन फेज आता है इसमें, सिंथेसिस फेज आता है इसमें, सिंथेसिस फेज, और इसमें आता है जी टू फेज। गैप वन फेज या ग्रोथ वन फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का क्या मतलब था कि सेल में बहुत ज्यादा रिएक्शंस हो रही हैं। तो सेल में रिएक्शंस तो यहां भी हो रही है, सिंथेसिस फेज में भी चल रहा है, जी टू फेज में भी चल रहा है, तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि यहीं पे मेटाबॉलिकली एक्टिव, बाकी जगह भी मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लेकिन सेल मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल जो है वो जीवन फेज में ही है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव आपका आता है कि कौन से स्टेज में तब ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है ये सेल, नॉर्मली कहां पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, तो वो जीवन फेज में होता है, ठीक है। तो जीवन फेज, एस फेज और जी टू फेज, ये तीनों फेजेस मिलकर बना रहे हैं रेस्टिंग फेज या इंटर फेज ऑफ सेल साइकिल। अब देखते हैं थोड़ा एम फेज के बारे में। एम फेज क्या है, तो ये एम फेज मेनली सेल डिवीजन है, क्योंकि एम फेज में पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, तो सेल डिवाइड कर जाएगा, तो एम फेज मेनली जो है वो सेल डिवीजन है। दो तरह का सेल डिवीजन हमें पता है, एक माइटोसिस और एक मायोसिस। देखते हैं माइटोसिस और मायोसिस क्या चीजें हैं। इस चैप्टर में हमें आगे यही पढ़ना है कि माइटोसिस में क्या होता है और मायोसिस में क्या होता है। माइटोसिस में एक सेल एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है और दो नए सेल्स फॉर्म करता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है नोट करने के लिए कि माइटोसिस में जो पेरेंट सेल होता है वो भी डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड सेल क्या होता है डिप्लॉइड सेल अ सेल विद कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड अ डिप्लॉइड सेल, एंड अ सेल विद हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड सेल। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमंस आवर सेल्स कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल 46 क्रोमोसोम्स। सो इफ अ सेल विल कंटेन 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दैट मीन्स द सेल इज अ डिप्लॉइड सेल। बट आवर गैमीट्स our germ cells, our gametes contains only half set of chromosomes, that is only 23 chromosomes, not pair of chromosomes, only 23 chromosomes, ठीक है, haploid। तो diploid cell क्या होता है, diploid cell जिसके पास complete set of chromosome है, for example in humans 23 pair of chromosomes is a cell which contains 23 pair of chromosomes for humans is a diploid cell जिसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। माइटोसिस के थ्रू जब एक सेल डिवाइड करता है और दो नए सेल्स बनाता है, तो ये दोनों नए सेल्स जो बनते हैं ये भी डिप्लॉइड होते हैं,
ये भी डिप्लॉयड होते हैं, कहने का मतलब है कि इसके पास भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा और इसके पास भी कितना होगा, ये भी डिप्लॉयड सेल होगा और इसके पास भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दोनों सेल के पास। तो माइटोसिस के थ्रू जब सेल डिवाइड करता है तो इस तरह के नए सेल्स बनाता है जिसमें जो न्यू जो यंग सेल्स होते हैं उसमें और पेरेंट सेल में दोनों में डीएनए का अमाउंट जो होता है वो सेम होता है, ये भी डिप्लॉयड होता है, ये भी डिप्लॉयड होता है, इसलिए हम माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज डीएनए जेनेटिक मटेरियल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पेरेंट जनरेशन एंड यंग जनरेशन, पेरेंट जनरेशन और यंग जनरेशन जो होती है दोनों में डीएनए का अमाउंट इक्वल होता है, इसीलिए हम इसको माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। और तो माइटोसिस के थ्रू कौन से सेल्स बॉडी में माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगे, ऑफ कोर्स हमारे बॉडी के सेल्स, नॉट हमारे जर्म सेल्स, गैमेट्स माइटोसिस के थ्रू नहीं डिवाइड करेंगे क्योंकि गैमेट्स को हैप्लॉइड गैमेट मेल एंड हैप्लॉइड गैमेट फीमेल आना है और डिप्लॉइड जाइगोट बनाना है, तो वो हैप्लॉइड सेल्स किसी तरह से बनने हैं, ऑफ कोर्स वो मायोसिस के थ्रू बनेंगे जिसके थ्रू हैप्लॉइड न्यू सेल्स बनते हैं मायोसिस के थ्रू, यहाँ पे माइटोसिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं, तो इसलिए हमारे बॉडी के सेल्स जो होंगे वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब है जो सोमैटिक सेल्स हैं एनिमल्स में सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो सोमैटिक सेल्स वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगे एनिमल्स में। और प्लांट्स में इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स को, बॉडी सेल्स को क्या बोलते हैं प्लांट्स में, वेजिटेटिव सेल्स, क्या बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स। तो प्लांट्स के वेजिटेटिव सेल्स और एनिमल्स के सोमैटिक सेल्स, बॉडी सेल्स, बोथ आर दीज, बोथ आर सोमैटिक सेल्स एंड वेजिटेटिव सेल्स, दीज बोथ आर बॉडी सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड दीज बॉडी सेल्स डिवाइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये डिवाइड करते हैं जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। लेकिन मायोसिस के थ्रू, मायोसिस के थ्रू अगर देखते हैं तो मायोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं हमारे गैमेट्स, मायोसिस, मायोसिस के थ्रू क्या होता है कि एक सेल डिवाइड करता है दो नए सेल्स बनाता है और ये दोनों नए सेल्स फिर से डिवाइड करते हैं और फाइनली फोर न्यू सेल्स आर फॉर्म, चार नए सेल ये बनाते हैं। लेकिन यहां पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये नोट करने के लिए कि ये जो पेरेंट सेल है ये डिप्लॉयड है, ये एक डिप्लॉयड सेल है और डिप्लॉयडी हम कैसे शो करते हैं, 2n से, 2n इज द डिप्लॉयडी, डिप्लॉयड सेल है तो इसके पास कितना क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब ये सेल्स डिवाइड करेंगे चार नए सेल्स बनाएंगे तो ये सेल्स हैप्लॉइड हो जाएंगे और हैप्लॉइड का मतलब है सिर्फ इसके पास कितना आएगा, 23 क्रोमोसोम ओनली, 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है 23 क्रोमोसोम। और 23 क्रोमोसोम का मतलब है कि इसके पास कितना है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है कि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है सिर्फ, इसलिए इसके पास हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए जो मायोसिस के थ्रू जो सेल डिवाइड करके चार नए सेल बनाए जिसने वो सेल्स इसलिए क्या है, हैप्लॉइड सेल्स है क्योंकि इनके पास हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ये वाले सेल्स जो है ये हैप्लॉइड सेल्स है, हैप्लॉइड सेल्स है। और हैप्लॉइडी हम कैसे शो करते हैं, ओनली एन, ठीक है यही हम देखेंगे, हमें यही मेनली समझना है, माइटोसिस इजी कॉन्सेप्ट है, अभी तक बहुत ज्यादा टफ नहीं है चीजें, एक बार समझ लेंगे तो आ जाता है। माइटोसिस इजी कॉन्सेप्ट है, मायोसिस में हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसको समझना होता है, क्योंकि मायोसिस के थ्रू समहाउ हमारे गैमेट्स बनने हैं और हमें अपने गैमेट्स में हमें जो यंग जनरेशन होगी उस यंग जनरेशन में पैटर्नल साइड से फादर के साइड से और मैटर्नल साइड से मदर के साइड से दोनों साइड से हमें उनके कैरेक्टर्स और उनके गैमेट्स के थ्रू
पैटर्नल गैमेट के थ्रू, स्पर्म के थ्रू और मैटर्नल गैमेट के थ्रू, ओवम के थ्रू, हमें किसी तरह से इन दोनों के फ्यूजन के थ्रू जो यंग वन फॉर्म होगा, जो जायगोट बनेगा, उसमें हमें पैटर्नल कैरेक्टर भी देने हैं, मैटर्नल कैरेक्टर भी देने हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके एंसेस्टर्स के भी कैरेक्टर्स हमें इसमें ट्रांसफर करने हैं। तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है कि किस तरह से गैमिट्स फॉर्म होते हैं और उन गैमिट्स में सारी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स इंफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल के थ्रू जो आ रही है वो किस तरह से ट्रांसफर होती है यंग सेल में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मायोसिस, इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम माइटोसिस और मायोसिस से फिर अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं।